हाँ तो हम लोग इस वक्त मुझे भी एहसास हुआ है कि मैंने अभी तक जब से लौटर के आए हैं हाथ में पकड़ के तो कोई भी वीडियो नहीं बनाई। मतलब जितनी बार भी ये मरीम के हाथ में था ये मैंने हाथ में पकड़ा तो उससे किया था। बट एनीवेज हम लोग कर रहे हैं, वो मरीम पीछे से आ रही है। मतलब अंदर से ब्लैंकेट लेने गई हुई थी। तो हम लोग अंतालिया आ गए हैं कल कोनिया में। आप बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया। हाँ तो हम अंतालिया पहुँच चुके हैं 6 घंटे की, एक्चुअली 5 घंटे थी। फिर बीच में कुछ हो गया, फिर कुछ और हो गया। ठीक है, 6 घंटे की बस की जर्नी लेके फिर वहाँ से हम लोग गए, रेंट अ कार ली। रेंट अ कार लेने के बाद हम लोग इधर आए और पता चला हमें रेंट अ कार की ज़रूरत नहीं थी, एटलीस्ट आज के दिन नहीं थी। पर कल के लिए ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कल लोकेशन हमारी ऐसी है। और अभी गाड़ी मिस करवाते हैं गाड़ी को। अच्छा, तो हमारी जो लोकेशन है वो बहुत ही कोई मज़ेदार, हम बुटीक होटल में रह रहे हैं। इसका मैं टूर दूंगा, होटल वर्थ है क्या दिखाया जाए। तो ये एक पुरानी स्ट्रीट में है जिसका नाम मैं जब मैं वॉइस ओवर मारूंगा यार तब मैं बता दूंगा किस जगह पे आपको होटल लेना चाहिए ताकि आप लोग ज़्यादा शहर इन्जॉय कर सकें। अभी बज गए हैं 6, हमने ना लंच किया हुआ है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है, आयरा सोई हुई है। तो अब हम लोग जाने लगे कुछ खाने। और कोनिया बहुत ज़बरदस्त था, जिस जिसने जो जो जानना चाह रहे हैं कोनिया कैसा था। हम लोगों को रूमी के मज़ार तो जा नहीं सके क्योंकि रूमी का मज़ार बंद था, पर सेमा के एक हम लोग ने लाइक वी अटेंडेड द सेमा और वहाँ वर्ल्डिंग दरवेज थे और बहुत खूबसूरत किस्म का था। बाकी फोटोज तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। अब खाना खा लें तो बेहतर है, बहुत भूख लगी है। कोई बड़ी कूल जगह है ख़वातीनो हज़रात, किस जगह मुझे बैठ लिया है। इट इज़ अमेजिंग अंतालिया। मेरा ख़्याल है कि काफ़ी और चीज़ों को कार्ट के ऊपर निकल जाएगा। अभी हम लोग हैं इस टाइम ओल्ड सिटी अंतालिया में और हम बैठे हुए हैं एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है लिमान कल्चर। अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त वाइब और बहुत बस आर्ट वर्क, सब कुछ बहुत अच्छा, ब्रांडिंग भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। आई होप कि खाना भी उतना अच्छा हो जितना हम रिज्यूम कर रहे हैं और एंटिसिपेट कर रहे हैं। अगर तो उतना ही अच्छा हुआ तो आई थिंक दिस इज़ वेयर वी गोना बी ईटिंग फॉर नेक्स्ट 3 डेज, सुबह दोपहर शाम। एक्चुअली दोपहर शाम जेन्युइनली बड़ा मज़ा आया मुझे। इवन मेन्यू देख के भी, अब तक हमें कितने दिन हो गए हैं, हमें काफ़ी दिन हो गए इस्तंबुल में। जितनी देर देखे हमने टर्किश खाना देखा है, बाकी जगह गए ज़्यादातर लोकल एक टाइप का। ये कोई फैंसी किस्म का कैफ़े मिला, आई थिंक हम इस्तंबुल में गलत जगह पे जा रहे थे, वापस जाके बेहतर जगह पे जाएंगे। पर करेंटली अभी बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस रेस्टोरेंट में आके। हम लंच प्लस डिनर एक टाइप ऑफ चीज़ कर रहे हैं। आज का पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में गुजर गया जो कि मे बी अ बैड आइडिया था कि हमने दिन ज़ाया किया अपना, बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्लेस। यार अभी तक तो बहुत ही कोई प्यारा किस्म का खाना है। आई थिंक चावलों में अंडा वैसे और चावलों में अंडा। हाँ, आई सॉ द मेन्यू, इसमें था सोया सॉस एंड अंडा। Okay.